जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं नागौर। नागौर के समीप एक के गौशाला है जहाँ पे विश्व प्रसिद्ध गौशाला है और बहुत ही बड़ी गौशाला है, पशु चिकित्सालय है। और यहाँ पे जो जितने भी पशु हैं उनका इलाज किया जाता है और फ्री में इलाज किया जाता है। और भी यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ का दौरा कीजिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये गौशाला है जो विश्व प्रसिद्ध गौशाला है और एशिया में इससे बड़ी गौशाला नहीं है, ऐसे क्या वर्ल्ड में भी इससे बड़ी गौशाला नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो गायें हैं वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में, रोड एक्सीडेंट में या जिस जहाँ कहीं भी घायल अवस्था में मिली जाती है, या किसी के पर्सनली भी घायल हो जाती है वो भी यहाँ छोड़ के जाते हैं और उनका यहाँ पे इलाज हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ जितने पशु पक्षी आसपास के एरिया में घायल हो जाते हैं उनको भी यहाँ लाया जाता है, उनका भी इलाज किया जाता है। तो बहुत ही बड़ी पशु गौशाला है और आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ कि कैसे कैसे यहाँ की गायों की जो हालत है वो कैसे है। अलग अलग वार्ड बने हुए हैं सभी के। अब आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ जिनके पैर कटे हुए हैं वही गायें यहाँ पे रखे हुए हैं। देखिए आप बारीकी से देखो कि इनके पैर कटे हुए हैं, जिनकी भी पैर में प्रॉब्लम है वो इस वार्ड में है। इनके गायों के अलग अलग वार्ड बने हुए हैं, आप देख सकते हैं इनके पैर किसी के भी पूरे नहीं है, कि सबके पैर कटे हुए हैं। इतनी दूरी पे इतनी गायें हैं, सबके पैर कटे हुए हैं और अलग अलग वार्ड बने हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे सारे अलग अलग वार्ड बने हुए हैं। जो पैर कटे हुए गायें हैं उनका एक तरफ इलाज होता है, जैसे यहाँ आप देख सकते हो सारी पैर कटी हुई दिखेगी आपको इस वार्ड में। अलग अलग इनके वार्ड नंबर लगे हुए हैं और इनको जो खाने पाने की व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी तरीके से की जाती है। इसके अलावा यहाँ गौशाला में जो इनका चारा है और सब अलग अलग है, हर जो वार्ड है उसके लिए अलग अलग गोदाम बने हुए हैं जहाँ से इनको चारा पानी पानी कोई कमी नहीं रहती। इनके पास से पानी के लिए ऑटोमेटिक लगा रखा है। इसके अलावा इनको चारे की, और जो यहाँ पे साफ़ सुथरा देखोगे ना, इतना साफ़ सुथरा यहाँ बना रखा है इनको। नहीं तो इतनी गायें हो तो वहाँ पे कीचड़ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई कीचड़ नहीं है और यहाँ पे बहुत ही साफ सुथरा जगह है। और हमारे दोस्त भी घूम रहे हैं साथ में यहाँ गायों के लिए। तो मैं यहाँ देख, ये वार्ड है, इसमें जितने भी गाय की आँखों में प्रॉब्लम है या जिनका सर कटा हुआ है या कहीं से भी कटी हुई हो तो उनका इलाज इसमें किया जाता है। किसी की आँख में प्रॉब्लम है, किसी का मुंह कटा हुआ है, ये सब एक्सीडेंट में है। और इनमें बड़ी चीज़ ये है कि कई गर्भवती गायें होती है वो भी यहीं रहती है और उनका भी यहीं ट्रीटमेंट किया जाता है, और उनका जो बच्चे हैं वो यहीं उत्पन्न किया जाता है उनको भी, और उनका भी पूरा ख्याल रखा जाता है। अब कुछ हद तक जो गायें ठीक हो जाती है उनको इस वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा मैं बताऊँ आपको, यहाँ एक छोटे बछड़े हैं जिनको गोपाल नाम दिया जाता है, और ये जिनकी माएँ ख़त्म हो जाती है, अनाथ बछड़े हैं, उनको इस वार्ड में रखा जाता है। यहाँ देखिए जितने भी अनाथ बछड़े हैं जिनकी माएँ रोड एक्सीडेंट में मर जाती है या जो प्रजनन होता है उस टाइम अगर इनके माँ ख़त्म हो जाती है तो उनको यहाँ पे रखा जाता है। और कुछ बछड़े इनको झूलों में रखा जाता है ताकि इनका जो इनके पेट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो ठीक हो जाती है। इसके अलावा हिरण के बच्चे भी है इनको भी, ये भी यहाँ रह के बहुत ही अपनापन दिखाते हैं। और आप देख सकते हो कैसे बिना ड्रे इनके पास खाने के लिए और पानी की दोनों की सुविधाएं रहती है। लाजा जम्बेश्वर नाम दिया गया इस हिरण को। आप जहाँ तक देखोगे आपको सिर्फ गायें दिखाई देगी, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी मात्रा में, और यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर से भी यहाँ पे गायें लेके आते हैं और उनका इलाज किया जाता है। इलाज यहाँ फ्री है। आप एक बार आओगे इस गौशाला में तो आपका दिल करेगा कि हम बार बार इस जगह पे आए और यहाँ पे देखिए आप गायों के लिए खाना पानी की व्यवस्था की जाती है।
उनके लिए जो उनका चारा तो होता ही है, उसके अलावा जो उनका देसी भाषा में जिसको बोलते हैं बंटा, या इनका जो खाने की चीज़ें हैं वो यहाँ पे बनाई जाती है, और इनको सभी गायों को बराबर मात्रा में उनको दी जाती है। और यहाँ पे बहुत से वर्कर काम करते हैं, बहुत ही बड़ी गौशाला है यहाँ, तो इनमें बहुत से जो कार्मिक है वो काम करते हैं। उनका यही काम है कि यहाँ पे साफ़ सुथरा कैसे रखे। और ये जो गौशाला है ये राजस्थान की शान है, पूरे वर्ल्ड में ये राजस्थान की शान है, और यहाँ इसको देखने के लिए देश विदेशी पर्यटक भी बहुत आते हैं इस गौशाला को देखने के लिए। और यहाँ पे हर समय भीड़ लगी रहती है इस गौशाला को देखने के लिए, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध गौशाला है। और यहाँ पे आप देखिए ठंडी छाछ आप अगर यहाँ पियोगे तो आपको निःशुल्क है, यानी कि लस्सी बोलते हैं जिसको, छाछ है वो निःशुल्क है। यहाँ यात्रियों को रात्रि विश्राम हेतु चारपाई व बिस्तर बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ VIP रूम लेते हो, AC रूम लेते हो, तो आपको सिर्फ ₹1 लगेगा आपको VIP रूम मिल जाएगा। इसके अलावा आप वीडियो में देख सकते हो TV पे यहाँ लग रहा है कि कैसे कैसे इलाज चलता है, लाइव टेलीकास्ट भी होता है। अगर जिनका यहाँ पर टेली का यानी कि ऑपरेशन चल रहा होता है तो आप देख सकते हो, इतनी सुविधाएँ इस गौशाला में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी जय हिंद जय भारत।